नेशनल हेराल्ड केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। एक दिन पहले ही 2 जुलाई को ईडी की टीम ने सुबह से लेकर देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये कार्रवाई कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। इस छापेमारी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल कल नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई का कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मामले में कांग्रेस के टॉप नेताओं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है, जिस सिलसिले में ईडी ने पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ भी की थी। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है। साल 2013 में बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के आधार पर 9 महीने पहले ट्रायल कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद बीते साल ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नए सिरे से आपराधिक मामला दर्ज किया और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई। वहीं अब सर्च ऑपरेशन के अगले ही दिन ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।